नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्य। ये रुख करते हैं मेरठ के कुछ खास खबरों। शामली बलवा में रेलवे ओवरब्रिज के लिए गार्डर पहुंचे, जल्द शुरू होगा रखने का काम। मेरठ करनाल हाईवे पर सिंभालका में फ्लाईओवर का काम भी तेजी से चल रहा है, हालांकि बलवा में रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। मेरठ में होली के त्योहारों पर यात्रियों को आने जाने के लिए बसों की परेशानी नहीं होगी। होली पर्व को देखते हुए मेरठ परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसों के संचालन की तैयारी कर ली है। इसके लिए परिवहन विभाग ने कंट्रोल रूम भी तैयार किया है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में चिकित्सकों ने बिना किसी चीरफाड़ के दिल का सफल ऑपरेशन किया है। चिकित्सकों की टीम ने बेहद महंगी बलून तकनीक के जरिए बेहद कम खर्च में एक व्यक्ति के दिल का ऑपरेशन कर उसे जीवन दान दिया है। मेरठ शहर विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके भाजपा प्रत्याशी कमलदास शर्मा का समर्थकों ने हार के बाद भी जमकर स्वागत और सम्मान किया। समर्थक कमल दत्त के घर पहुंचे और ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया, पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया। समर्थकों ने कहा, कमल दत्त भले ही चुनाव हार गए हो लेकिन उन्होंने जनता का दिल जीता है। मेरठ के सोफिया गर्ल्स मिशनरी स्कूल में छात्राओं की पुरानी किताबों को जूनियर्स को दिलवाकर उन्हें हेल्प की जाएगी, साथ ही छात्राओं को शेयरिंग का महत्व भी समझाया जाएगा। इतना ही नहीं, शहर की आम जनता भी लिटरेचर और मोटिवेशनल किताबों को अगर आपस में एक्सचेंज करना चाहती हैं तो उसकी सुविधा भी सुगम देगा। मेरठ की खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे टुडे 24 न्यूज़।